भगवत स्वरूप की अनुभूति के लिए, ईश्वर तत्व की अनुभूति के लिए। अब तो दोनों शब्दों के अर्थ बिल्कुल क्लियर हो गए। भगवान कौन, ईश्वर कौन, ईश्वर क्या और भगवान कौन, ऐसे डाला गया। इस ईश्वर तत्व की अनुभूति के लिए, इस भगवत स्वरूप के अनुभव के लिए ज्ञान की इतनी आवश्यकता है ही नहीं, आवश्यकता है इस प्रीत की जो इन लोगों ने गाया अभी। चाहे संबंध बनेगा हमारा ज्ञान के कारण, सत्संग में तुम लोगों को विविध विविध प्रकार से ज्ञान जो मिलता है उसी कारण तो हम लोगों का संबंध बना और टिका भी इसी कारण रहेगा। क्योंकि प्रेम का संबंध कैसे टिकाया जाए ये मुझे नहीं मालूम। तो संबंध बनने का कारण तुम्हारे और मेरे बीच और संबंध के टिकने का कारण, दोनों का कारण प्रत्यक्ष रूप में तो ज्ञान दिख रहा है, लेकिन ये केवल संबंध टिका सकता है, ये भगवत अनुभूति नहीं करा सकता। संबंध बना तुम्हारा मेरे साथ इसलिए क्योंकि ये ज्ञान की, कभी शायद तुम्हें उत्तराधीन सूत्र टॉपिक में रस हो इसलिए आ गए, कभी अष्टावक्र गीता में रस हो इसलिए आ गए, कभी भगवत गीता टाइटल अपने आप में ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है, भगवान श्री कृष्ण का ये महा की महागाथा, तो इसलिए आ गए। संबंध बनता तो है ज्ञानी के साथ ज्ञान के कारण, संबंध टिकता भी है ज्ञान के कारण, लेकिन ज्ञानी हुआ जाता है प्रेम के कारण, इसमें मत चूकना। कहीं ये ज्ञान लेते लेते इतना उलझ जाओ, इतने ज्ञान के अंदर ही उलझ जाओ, ये नए वो नए, और इसमें इतने सारे कर्म, 8 कर्मों के ऊपर कितनी चर्चा, और आज मैं जान मुझ के कह रही हूँ क्योंकि आज बहुत लंबा लंबा ज्ञान परोसे जाने वाला है। अब अगर तुम्हें मेरे साथ थोड़ा भी प्रेम है, अगर तुम लोगों को मेरे साथ थोड़ा भी प्रेम है, तभी तुम आज के सत्संग का ये 1.5 घंटा, मैं कोशिश करूँगी 1 घंटे में आज टाइम पर ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, तो आगामी 1.25 घंटा आप तभी निभा पाओगे जब आपको मेरे साथ प्रेम हो, ये बताते रहे। प्रेम के कारण ही सद्गुरु के साथ ये रिश्ता बनता है और उनका ज्ञान हमें लुभावना लगता है। तुम्हें क्या लगता है, ये ज्ञान कहीं और मिलता नहीं क्या? तुम तो मना ही करोगे, नहीं मिलता, लेकिन मैं कहती हूँ ज्ञान मिलता है। और किताबें तुमने तो झांक के देखा नहीं, किताबों में ज्ञान है और सत्पुरुष और सद्गुरु सब कह ही रहे हैं। हालांकि विशाल प्रभु की शिकायत थी कि कोई महाराज वगैरह, वो जाते होंगे बहुत महाराज जी के पास पहले, तो उस दिन आप मुझे कह रहे थे ना कि प्रभु कोई बताता क्यों नहीं ये बात जो आप बताते हो, वो बड़े प्यारे से अंदाज में कह रहे थे। क्या पता उन्होंने बताया भी हो, लेकिन तब तुम्हारे कान, तुम्हारा हृदय सुनने को तैयार ना हो। सद्गुरु वो होते हैं जो तुम्हारे कानों को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारी बुद्धि को पहले तैयार करते हैं सुनने के लिए, फिर उसमें शब्द डालते हैं। फर्क है। ये तालियां प्रेम के कारण ही बच सकती है, क्योंकि इसमें तो कोई ज्ञान का सूत्र ही नहीं आया, ये खाली प्रेम हो सकता है। सद्गुरु बस तुम्हें पहले तैयार करते हैं, सीधे शब्दों को परोस कर नहीं देते, लक्ष्य बंधवाते हैं, उसके बाद नियम देते हैं। धर्म संप्रदायों में, धर्म क्षेत्र में जो मैं देखती हूँ, जो इतने सालों से मैं देखती आ रही हूँ, उसमें बस ये लगता था कि एंटर होते ही डूज एंड डोंट्स के नियम दे दिए जाते हैं, ये करो ये मत करो, और उसमें भी जो जो सबसे प्रिय हो वो छोड़ दो। अब ऐसे धर्म क्षेत्र की तरफ कौन आकर्षित हो, तुम ही कहो। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट ठीक है हम भी देंगे, चातुर्मास नियम शुरू होने दो हम भी देंगे, लेकिन डूज एंड डोंट्स की लिस्ट मुझे लगता है लक्ष्य पक्का कराने के बाद डूज एंड डोंट्स दिए जाए ना, तो उसकी कुछ समझ में आती है। जैसे कोई बच्चा है, खाली घूमने जा रहा हूँ, ये पार्थ को आजकल चस्का लगा है, हर सैटरडे दोस्तों के साथ घूमता है, नाइट आउट करता है, उसी से पूछना कहाँ जाता है। हालांकि 11 बजे तक आ जाते हैं घर, 9:30
शनिवार तो वैसे ही भक्ति चल रही होती है, भक्ति की प्रैक्टिस में से फ्री होते हैं 9 बजे, 9 बजे जाते हैं, 11 बजे तक लौट कर आते हैं, घूम घाम के आते हैं, कोई लक्ष्य नहीं है इनका, कुछ नहीं है, इसलिए डूज एंड डोंट्स भी ज़्यादा तुम्हें हम कुछ कहते नहीं है, जाओ जहाँ जाना है जाकर आ जाना। लेकिन इसी बच्चे को कल मैं उठ के 10 लाख रुपए दूँ कि भाई ये जरा संजीव प्रभु के घर पहुँचाने हैं, अब इसको डूज एंड डोंट्स मुझे कितने देने पड़ेंगे, इस रूट से मत जाना, इस रूट से जाना, ऐसा करना, वहाँ जाकर फ़ोन कर देना, और रास्ते में किसी अनजाना, कोई अनजाना व्यक्ति गाड़ी नॉक करे तो मत खोलना, कितना कुछ डूज एंड डोंट्स। 10 लाख रुपए संजीव प्रभु के घर भिजवाने हैं, ये लक्ष्य पक्का हो, अब डूज एंड डोंट्स दूँ तो कुछ अक्लमंदी की बात कर रही हूँ कि नहीं, ये पगला चक्कर करने निकले और उसमें मैं इसको डूज एंड डोंट्स दूँ, कहेगी मम्मी का हिल गया। इसी तरह धर्म क्षेत्र के अंदर मुझे लगता है कि लक्ष्य नहीं पक्का कराते हमारा, आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन, आनंद, अनंत और शाश्वत आनंद, इटर्नल इनफाइनाइट हैप्पीनेस का लक्ष्य तो बंधाया नहीं, और उससे पहले ये करो, ये मत करो, ये छोड़ो, ये रखो, ये इतनी लंबी लंबी फर्जी लिस्ट हमें पकड़ा दी जाती है, उस कारण हमारा वहाँ आकर्षित नहीं होता मन। सद्गुरु क्या करते हैं, सालों लगाते हैं तुम्हारा लक्ष्य दृढ़ कराने में, कि प्रभु इस जीवन में अगर यूथ से बात करेंगे तो उनको ऐसे बोलेंगे इस जीवन में इटर्नल इनफाइनाइट हैप्पीनेस चाहिए, तुमसे बात करेंगे तो मोक्ष चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, इस भाषा में बात करेंगे। इधर कोई भी वर्ग, कोई भी हो, वर्ग अपेक्षा से शब्द बदलेंगे, लेकिन लक्ष्य पहले बनवाएंगे, उसके बाद तुम्हें डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देंगे। ये वास्तविक क्रम है, और ये क्रम भी तुम्हें तभी रुचेगा, क्रम की तरफ भी तुम तब आकर्षित होगे जब सद्गुरु तत्व के प्रति, ध्यान रखना, सद्गुरु तत्व के प्रति प्रेम हो, सद्गुरु के ज्ञान के प्रति नहीं। ज्ञान से केवल तुम आकर्षित होकर आ सकते हो, इतना ही हो सकता है, ज्ञान से तुम्हारे कोई क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर बढ़ सकती है, कुतूहल, लेकिन ज्ञान से तुम्हारी दशा नहीं बदल सकती। दशा बदलने के लिए तो अपने से हायर के प्रति का प्रेम चाहिए, और इसीलिए आज ये बहुत ओल्ड भक्ति है, ओल्ड इज गोल्ड वाला इनका स्टॉक निकल रहा है, बहुत पहले गाते थे, और तब हम लोग तुम्हारी तरह ज्ञान के पीछे भागते ही नहीं थे, तब हम लोग प्रेम के पीछे भागते थे, हम सब प्रेम के पुजारी थे, हम लोग सबका परिवार बना ही ऐसे था, हम लोग प्रेम को इम्पोर्टेंस देते थे, और वो प्रेम क्या होता है, कितने अलग अलग अपेक्षा से इन लोगों को समझाती रहती थी कि ये प्रेम है। ज्ञान क्या, तुम मुझे खुद को विश्वास है पिछले सत्संग का कुछ तुम्हें याद नहीं होगा, मैं पूछने नहीं वाली, और तुम हंस के टाल दो इस प्रश्न को, ये तुम्हारे लिए चतुराई है, कुछ नहीं याद होगा, लेकिन अगर प्रीति होगी ना तो वो प्रेम के कारण जो कुछ भी कहा गया, जो कहा जाता है, वो भीतर में रूपांतरण ले आता है, ये चाहिए प्रेम। इसलिए मेरे साथ संबंध तुम्हारा बनेगा ज्ञान के कारण, संबंध टिकाने का साधन भी है ज्ञान ही, क्या करें, लेकिन बनाना संबंध और टिकाना इतना मात्र उद्देश्य नहीं है। तुम यहाँ से ऊपर उस सिद्धत्व की अनुभूति करो, ईश्वरत्व की अनुभूति करो, भगवत स्वरूप की अनुभूति करो, ये हमारा लक्ष्य है, और उसके लिए क्या चाहिए, प्रेम। इसीलिए उन्होंने कहा ना, ज्ञानी के पास जाकर ज्ञान मत मांगना, तुम जाओगे ज्ञान के लिए ही, पर मांगना मत कभी भी। देखो इसीलिए आज़ाद कर दिया तुम्हें इस बात से, कुछ भी तुम्हें याद रहता है कि नहीं रहता, इन्होंने बड़े पुरुषों ने ही बोल दिया, ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम है, आकर्षण होता है उनकी सभा में आने का, इतनी इतनी गर्मी है, सभा में आने का आकर्षण होता है, हाँ के ना, बस ये आकर्षण, ये जो आकर्षण है ना, ये प्रेम है, ये तुम ज्ञान के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि ज्ञान तो तुम्हें पता है कि YouTube पे 3 दिन बाद मिल जाने वाला है, ये लोग कैलकाटा से दौड़ दौड़ कर आए हैं कि इसके बाद तो प्रभु आप 1.5 महीना US धर्म यात्रा के लिए निकल जाओगे, तो हमें लगा हम प्रत्यक्ष में आ जाएं, पर भाई तुम तो वैसे भी प्रत्यक्ष में नहीं देखते थे कभी, तुम्हें तो वैसे भी वो YouTube पर ही देखने की आदत है, लेकिन ये प्रेम होता है ना, ये खींचे बिना रहता ही नहीं है, कि किसी भी तकल बॉम्बे वाले भी आ जाएंगे, कोलकाता वाले भी, कि प्रभु अब आप 1 महीने जा रहे हो ना, अरे हम तो तुम्हारे लिए हमेशा दूर ही हैं, तुम YouTube पर ही देख रहे हो हमें, लेकिन फिर भी प्रेम तुम्हें आकर्षित करता है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के प्रति प्रेम है तो उसके साथ के समागम में समय का पता नहीं चलता, ये पक्का रखना।
तुम घड़ियां देख रहे हो मतलब प्रेम नहीं है। जिसके समागम में तुम्हें समय का पता ना चले, समझना उस व्यक्ति के प्रति प्रेम है। सांसारिक प्रेम में भी यही घटना घटती, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी चल दिए, ऐसा एक गाना था पहले। और यहाँ पर भी अभी अभी तो सत्संग शुरू हुआ, अभी खत्म हो गया। लेकिन ये प्रेम की घटना घटेगी ना तो समय का पता नहीं चलता। और ये प्रेम जो होता है तुम्हारे अंदर शुभ रूपांतरण लाता है। रूपांतरण तो तुम्हारे दोस्त भी लाते हैं तुम में, ट्रांसफॉर्मेशन तो तुम्हारे दोस्त भी लाते हैं, पहले नहीं पीते थे अब पीने लग गए। लेकिन शुभ रूपांतरण, शुद्ध रूपांतरण की बात कर रहे हो। तुम सब पार्थ की तरफ क्यों देख रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल मेरी निगरानी में जाता है और निगरानी में आता है, आते सूंघ वूंघ भी लेते हैं हम लोग। इसलिए प्रेम के अंदर प्रतीक्षा लंबी लगती है, आकर्षण जबरदस्त होता है शुद्ध के प्रति, हायर के प्रति। और जब ये आकर्षण होता है तभी ये ज्ञान तुम्हारे कुछ काम का हुआ, नहीं तो ये ज्ञान खाली हमने कह दिया सत्संगों में, कुछ कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, कुछ कन्फ्यूजन्स जो आपको भी नहीं पता थी कि आपके जीवन में है वो हमने उघाड़ी और उनका हमने समाधान दे दिया। इससे ज़्यादा काम नहीं होता। समाधान लेने नहीं आए यहाँ, समाधि लेने आए हो। और समाधि जो है वो रूपांतरण से आती है, समाधि समाधानों से नहीं आती। ज्ञानी के प्रति आकर्षण हो, दूसरा ज्ञानी के साथ समय का पता ना चले तो समझना प्रेम है, और ज्ञानी के साथ शुभ रूपांतरण की प्रक्रिया हो रही हो तो समझना ज्ञानी के ज्ञान के प्रति आकर्षित नहीं हो, ज्ञानी से अब प्रेम हुआ है। और ये प्रेम भी शास्त्र प्रमाण देते हैं, ये प्रेम भी जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के प्रति भी तुम्हारा जो प्रेम है थोड़ा रहते रहते विकसित होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट वाला कुछ सिस्टम ही नहीं होता, बहुत रेयरली कभी ऐसा होगा। लेकिन लव एट फर्स्ट साइट वाला सारा कुछ लस्ट होता है, अट्रैक्शन होता है, खाली खाली कोई बाह्य व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो रहे हो। लेकिन जब सद्गुरु तत्व के प्रति आकर्षित होते हो तो शास्त्र प्रमाण देते हैं कि ये प्रीत नथी प्रीत आ पल भरनी जन्म जन्म नो, 25-25 जन्म का साथ है ये, शास्त्रों में ये लिखा है 25 जन्म का। क्यों तुम्हें कोई और सद्गुरु पसंद नहीं आया, क्यों तुम्हें कोई और सद्गुरु भाया नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपने सद्गुरु के साथ पिछले 25-25 जन्मों का ऋणानुबंध चला आ रहा है, प्रीत चली आ रही है उनके साथ, इसलिए तुम्हें यही सद्गुरु पसंद आए। शास्त्रों में 25 भव लिखे हैं, 25 जन्मों से ये प्रीति चलती है, तब जाके सद्गुरु के साथ की एक प्रगाढ़ प्रेम हमारे भीतर, प्रीति थोड़ी थोड़ी प्रीति चलते चलते प्रगाढ़ प्रेम के अंदर रूपांतरित होता है। और इसको बहुत संभाल के रखना, क्योंकि जहाँ कारण बिना शंका की, कारण बिना, कारण हो और शंका करो बात अलग है, कारण के बिना तुमने सद्गुरु तत्व पर शंका कर डाली, कारण के बिना तुमने सद्गुरु के डिसीजंस वगैरह को क्वेश्चन कर डाला, कारण के बिना तुमने सद्गुरु पर आरोप लगा दिया कि तुम दूसरों से प्रेम करते हो हमसे प्रेम नहीं करते, ऐसा कुछ भी तुमने आरोप लगा दिया तो ध्यान रखना 25-25 भव की ये प्रीति होती है ना, ये ऐसी आड़ आती है इसमें, ऐसी टूटती है ना कि आगे 25 जन्म तक सद्गुरु ढूंढने पर भी सद्गुरु नहीं मिलते। शास्त्र कहते हैं क्या ताली बजाओगे इसके लिए, कितना बड़ा, क्योंकि 25 जन्मों की प्रीति थी, उस प्रेम ने ही तुम्हें उस गठबंधन में बांधा, संभाला, आगे उठाकर ले गया। उस प्रेम पर जब तुम शंका करते हो तो शास्त्र क्या कहते हैं, बिना कारण शंका अपनी, भले ना फिर तुम मुझे कहो प्रभु ये तो मेरी अल्प बुद्धि थी इसलिए शंका की, अरे पर क्यों, कि अपनी अपनी अल्प बुद्धि को समझाना था, सदगुरु को क्यों समझाते हो? ठीक है, तुम्हें मुझ पर शंका हो सकती है, आपको मुझ पर कभी भी शंका हो सकती है, तो आपस में अपने मन को मन से समझाओ, मन से बुद्धि को समझाओ, लेकिन आकर सीधा यूं छाती फाड़ के बोलते हो हमें शंका है आपके ऊपर, मुझे तो तरस आता है ऐसे लोगों पे, तरस,
क्योंकि आगे 25 भव के लिए अब तुम सद्गुरु के लिए ना तड़पोगे, जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे तुम सद्गुरु तत्व के लिए तड़पोगे और 25-25 जन्म तक तुम्हें सद्गुरु तत्व तो नहीं मिल सकता। उसके बाद वापस ये प्रीत की श्रृंखला शुरू होगी, किसी सद्गुरु के प्रति प्रीत होगी लेकिन गठबंधन नहीं होगा, प्रीत होगी गठबंधन नहीं होगा, वापस 25 जन्म निकलेंगे और 25 जन्म के बाद वापस कोई सद्गुरु तत्व तुम्हें रुचेगा। बहुत संभालना, ज्ञान से संबंध बनता है लेकिन ज्ञान से अनुभूति नहीं होती। अनुभूति के लिए सद्गुरु तत्व के प्रति प्रेम चाहिए और प्रेम तभी प्रगाढ़ होता है जब तुम्हारे प्रेम में से शंका का शल्य तुम खुद निकालो। तुम्हें प्रेम है मेरे से और मान लो अन्नू प्रभु को कल को उठ के मुझ पर कोई शंका हुई, तुम मेरे पास आओगे, मैं क्या करूंगी? तुम्हारी शंका का समाधान करूंगी। और क्या करूंगी मैं तो करुणावश तुम्हारी शंका का समाधान जरूर करूंगी, लेकिन इससे होगा क्या? तुमने जो ये कांटा डाला वो आगामी 25 जन्मों तक तुम्हें सद्गुरु तत्व को खोजने में, तुम्हें लगता है ना तुम कितने लोगों को बोलते हो लेकिन वो क्यों नहीं आ पाते, यहां आते भी हैं तो एक दो बार में चले जाते हैं, बोलकर जाते हैं बहुत अच्छा लगा हर बार आना है और फिर वापस गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गठबंधन ही नहीं होने देता। ये एक शंका सद्गुरु तत्व पर करते हो इसका परिणाम देख लो। और जहां निशंक, हाँ शंका ना हो ऐसा मैं नहीं कहती, अपनी शंका को अपने ही समाधानों से हटाओ, क्योंकि अब तो इतने इतने ज्ञान के विषय मिल गए, नहीं तो अपनी शंका के सामने प्रेम को बड़ा कर दो, इतना प्रगाढ़ और इतना विस्तार कर दो प्रेम का कि तुम्हें वो शंका एकदम छोटी सी मामूली बारीक लगे। लेकिन जब तुम ये नहीं कर पाते तो परिणाम भी भुगतते हो आगामी 25 जीवनों तक। ये डराने के लिए नहीं, ये शास्त्र कथित वचन है। 25 और यही ये भक्ति में गा रहे हैं, नथी प्रीत आ पल भरनी आ छे, ये है, अब तो तुम हिंदी में गा रहे थे, जन्म जन्म का साथ रे, 25 जन्म का जरूर साथ होता है। और 25 जन्म तक आते आते फिर ऐसी प्रगाढ़ प्रीति, और जब ऐसी प्रगाढ़ प्रीति तो प्रगाढ़ प्रतीति, प्रगाढ़ प्रतीति तो प्रगाढ़ अनुभव, और प्रगाढ़ अनुभव तो परमात्मा पने के साथ का ऐक्य स्थापित होता है। ये क्रम है। शंका हो सकती है, बहुत प्राथमिक भूमिका में हो तो कोई आरोप भी नहीं लगता, लेकिन इतने सत्संगों के बाद, इतनी समझ के बाद, इतने जीवन में अनुभवों के बाद भी यदि तुम संदेह से भरते हो तो समझना कि बस अब आगामी 25 भव तक भटकोगे। लेकिन काश तुम लोग क्षमापना कर लो, उसकी क्षमापना की विधियां जो होती है उनसे क्षमापना कर लेना। हो सकता है उससे शास्त्र वचन में कहीं कुछ बांध छोड़ मिलाए, हालांकि कभी पढ़ने में आया नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी हो सकता है क्षमापना गहन हो जाए तो तुम्हारे इस दोष के अंदर थोड़ी कमी आ जाए, न्यूनता आ जाए। लेकिन अन्यथा शास्त्र कहते हैं सद्गुरु तत्व पर, उनके प्रेम पर शंका करने वाले सद्गुरु के लिए अगले 25 भवों तक तड़पते हैं। ऐसा तुम लोगों के साथ ना हो। सद्गुरु के साथ का रिश्ता बंधता है ज्ञान से, रिश्ता टिकता भी है ज्ञान से, लेकिन जो सद्गुरु कराना चाहते हैं, जो तुम्हें जिस अनुभव तक पहुंचाना चाहते हैं, वह अनुभव प्रकटता है प्रेम से। और जहां ये प्रेम आता है वहीं शंकाएं टूटती है। होता है ना प्रेम, लव इज ब्लाइंड क्यों कहते हैं, प्रेम अंधा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम में सामने वाले पर शंका ही नहीं होती। सामने वाला करोड़ों रुपए का घपला कर दे क्यों पता नहीं चलता, इतने बड़े बड़े सीईओ होते हैं कंपनी के क्यों पता नहीं लगा पाते, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट था। ब्लाइंड ट्रस्ट मतलब लव, ऐसा लव था उन लोगों के ऊपर कि पता ही नहीं चल पाता। लेकिन जहां ये ब्लाइंडनेस जाती है तुम शंका करते हो, और शंका करते हो प्रेम चला जाता है। इसलिए प्रेम का की एक शर्त है, प्रेम में शंका नहीं होनी चाहिए, और जब शंका नहीं होगी तभी वह प्रेम तुम्हें परमात्मा स्वरूप तक ले जाएगा। विषय आज का बड़ा अटपटा है, नाम कर्म चित्रकार जैसा है, तीन बार से बोल रही हूँ लेकिन हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे किसी न किसी कारण से। आप लोगों ने यूथ रिट्रीट के सत्संग देखे कि नहीं? देख लिए? फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने, पांच है छः,
5 देख लिए। हाँ, तो कुछ बातें मैं मैंने जो यूथ रिट्रीट में की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, पर अगर आप देख रहे हैं तो लेट अस स्किप, क्योंकि अब हमारे पास भी केवल आज का मिला के 3 सत्संग है उत्तराध्ययन सूत्र के इस अध्ययन को पूरा करने के लिए। थोड़ा फास्ट चलेगा वो तो तुम्हें पता है, आखिर आखिर तो भागता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन से जो फ्राइडे का जो सत्संग आएगा गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले, तब से हमें द्रव्य संग्रह शुरू करने का आदेश है, तो हम तब से वह शुरू करते हैं। शुरू करें फिर, क्या कहते हो तुम लोग, थोड़ा बोर होने को तैयार हो? हाँ कि नहीं? बोर होंगे नहीं, ये निशंकता होनी चाहिए, चाहे मैं कितना भी कहूँ बोर होने को तैयार हो, कहो कि नहीं बोर होंगे ही नहीं। अब कुछ नहीं, आपका ज्ञान अच्छा नहीं लगता, स्वाति प्रभु जो लिखेंगे वो अच्छा नहीं लगता, आपका चेहरा देखना तो पसंद है ना हमें, कुछ नहीं वो करेंगे, आपका मुंह देखेंगे और क्या। चलो जी, स्वाति प्रभु पधारे आप, और नाम करम 13 नंबर की गाथा एक बार और ले लो। नामं कमं तु दुविहं सुहं सुहं च आहियं सुहस ओ बहुभेया इमेव असुहस्वि। नामकरम दो प्रकार का है, शुभ नामकरम और अशुभ नामकरम, इन दोनों के अनेक प्रकार है। ये जो एक छोटी सी लाइन लिखी है ना, इन दोनों के अनेक प्रकार है, उस कारण आज का सत्संग है। अगर छोड़ दिया होता तो मैं भी छोड़ देती, अगर इन्होंने शुभ अशुभ करके छोड़ा होता तो हमने लास्ट टाइम किए ही तो थे ना, शुभ अशुभ कर्म कैसे बनते हैं वो सारी बातें हो गई थी हमारी। लेकिन अब नीचे इन्होंने एक और लाइन लिख दी, इन दोनों के अनेक प्रकार है। कल को उठ के तुम आओगे मुझे कहोगे वो अनेक प्रकार तो बहन जी आप खा गए, आपने बताया नहीं मेरे को, तो इसलिए अनेक प्रकार बताने के लिए आज मैं लंबा लंबा करूँ। मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि नाम कर्म के 93 प्रकृति यानी 48 भेद और 42 भेद है वो मैं अब तुम्हें बताऊं। नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, ये सब हो गया अपना। चलो, इसकी कुल 42 उत्तर प्रकृति है, जैसे ज्ञानावर्ण्य की 5 थी, दर्शनावर्ण्य की 9 थी, सबकी करी ना अभी हमने, मोहनिया की कितनी थी, 28 थी, सपना प्रभु को भी याद है, वेरी नाइस। नॉन जैन होके आप लोगों को इतना मुंह पे याद है, वेरी नाइस, कि इतनी प्रकृति। जैन दर्शन काफ़ी सूक्ष्म रूप से देखता है। अब जो आप ये नाम कर्म देखोगे ना, आपके शरीर संबंधी, ओनली योर बॉडी, बॉडी रिलेटेड जितनी भी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स है ना, वो सारी इस कर्म के अंदर आएगी, कि आपकी आंखें क्यों काली है, किसी की भूरी है, आपका कद क्यों ऊंचा है, किसी का छोटा है, किसी की हड्डियां तेज हो, मतलब एकदम स्ट्रांग होती है कि 10 बार गिरे तो भी नहीं टूटता, और कोई एयरपोर्ट पे खड़े खड़े टूट जाता है बेचारा, ये क्या चक्कर क्या है। जितनी भी बॉडी की माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स है वो इन 93 प्रकृति के अंदर इन्होंने कवर किए, मतलब अमेजिंग। और किसी दर्शन में है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन जितने दर्शन मैंने अभी तक पढ़े, हिंदू दर्शन पढ़ा, बौद्ध दर्शन पढ़ा, जैन दर्शन पढ़ा, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी, बाइबल को भी रेफर किया हुआ है, जितने दर्शन मैंने समझे हैं उसमें मुझे इतनी माइन्यूट डिटेल्स आज तक नहीं मिली। लेकिन जैन दर्शन ने तुम्हारा शरीर पूरा ऐसा है तो क्यों है, ये तुम्हारे नाम कर्म के अलग अलग प्रकृति है उनके कारण है, और वो क्यों बनते हैं वो सब तो हमने लास्ट टाइम ही देख लिया था, उसका परिणाम क्या होता है ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी थी। आज हम इन डिटेल्स को देखेंगे, 42 प्रकृति क्या है। तो पहला है गति नाम कर्म, आपके पास स्वाति प्रभु ये वाला चार्ट है, हाँ ये वाला, आप गति नाम कर्म करके चार जैसे लिखा है ना ऐसे लिख दीजिए। तुम किस गति में तुम्हें जाना है, किस गति में जीना है, चार प्रकार की गति है, इसलिए लिखेंगे गति नाम कर्म और इसके चार भेद, यानी हो गए हमारे चार, 93 - 4 बचे 89, इस तरह चलेगा, 93 प्रकृतियां हैं टोटल। गति नाम कर्म चार, मतलब तुम्हें कौन सी गति में जाना है, यहाँ से नरक गति में जाना है, तिर्यंश में जाना है, मनुष्य में जाना है, देव में जाना है, ये नाम कर्म का काम है। तुम इस जीवन में जैसा भी कर्म करते हो उसके आधार पर, वो उसका सारा बताया था ना, इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, वो सारा फल भोग, वो सारा तुम जितना भी करते हो और जितना परिणाम आता है उसके कारण ये कर्म की प्राप्ति होती है।
गति नाम कर्म का काम क्या है, तुम्हारी गति डिसाइड करेगा कि तुम इसके बाद वाले जीवन में मनुष्य बनोगे, देव बनोगे, नारकी बनोगे या तिर्यंच बनोगे। दूसरा जाति नाम कर्म, इसके 5 भेद हैं। 93 में से 4 हुए, अब जाति नाम कर्म के साथ 5 और हो गए तो 89 - 5 = 84। हम इस तरह से पूरा अपना काउंटडाउन चलाएंगे। आई नो थोड़ा लंबा है, लेकिन तुम्हें मजा यह आएगा कि जैन धर्म ने, जैनिज्म ने, उत्तराध्ययन सूत्र ने कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म डिटेल्स को भी कैप्चर किया है, उसका मजा लो। बाकी तो ये सब होते हैं शुभ और अशुभ दो, वो 4 भेद बताए थे ना। शुभ नाम कर्म क्यों बनते हैं, मन की, वचन की, काया की सरलता और विसंवादिता और ये सारा उसके कारण बनते हैं। ये सारे ही नाम कर्म उसी के कारण बनते हैं टोटली, वो 4 पॉइंट्स कारण 4 ही है, जो लास्ट टू लास्ट सत्संग में बताए थे कि लास्ट में लास्ट सत्संग में बताए थे, कारण बंधने के 4 ही है। लेकिन जब उदय में आते हैं तो इतनी 93 अलग अलग प्रकृति के रूप में उदय में आते हैं। दूसरा जाति नाम कर्म, ये 5 प्रकार से है। इस जाति का मतलब होता है इंद्रियों की रचना, यानी तुम एक इंद्रिय में जाओगे, 2 इंद्रिय में जाओगे, 3 इंद्रिय में जाओगे, 4 सेंस ऑर्गन्स होगी या 5 सेंस ऑर्गन्स होगी, तुम्हारे पास कितनी सेंस ऑर्गन्स होगी। अगर तुम तिर्यंच में जाओगे तो 1 सेंस ऑर्गन भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तुम मनुष्य में जाओगे तो 5 सेंस ऑर्गन्स होगी, तुम देवता नारकी में जाओगे वहां पर भी 5 सेंस ऑर्गन्स। तो ये कौन निश्चय करेगा कि तुम जिस गति में जाओगे उसमें तुम्हारे कितनी इंद्रियां होगी, ये जाति नाम कर्म। तो गति 4, जाति 5। शरीर नाम कर्म, शरीर की प्राप्ति में निमित्त बनने वाले ये शरीर नाम कर्म, यानी तुम्हारा शरीर कैसा होगा। औदारिक शरीर यानी माँ के पेट से जन्म लोगे, ये तो हम लोगों में यहाँ ये रहेगा तिर्यंच और मनुष्य में, लेकिन देव और नारकी माँ के पेट से जन्म नहीं लेते। जैसा कि जैन दर्शन कहता है नारकी का जन्म एक कुंभी में से होता है, एक कुंभी मतलब एक सुराही, मालूम है तुम्हें सुराही क्या होती है, बड़ा सा घड़ा पेट होता है और लंबी सी उसकी गर्दन होती है। तो इस तरह से वो जन्म लेता है कि वो गर्दन में से निकल कर बाहर निकलता है, ऐसा एक कुंभी बनी होती है जिसे शास्त्र में कुंभी कहते हैं, उसमें से निकल के ऐसे जबरदस्ती उसको खींचा जाता है। ये नारकी के जन्म लेने की प्रक्रिया, औदारिक शरीर नहीं है, उदर में से नहीं आता, उदर मतलब पेट से नहीं आता, लेकिन ऐसे सुराही में से, कुंभी में से खींच के निकाला जाता है। मतलब जन्म से ही वेदना, खींच के निकालोगे क्या हाल होगा। और वहाँ उस दूसरी तरफ देव का खूब पुण्य है, इसलिए बहुत सुंदर सी शैया बनी होती है, हम लोगों के तो आता है प्रतिक्रमण के अंदर भी कैसी शैया बनी है, और 32 इयर्स का एक तरुण व्यक्ति ही एकदम पैदा होता है, बालपन की कोई पीड़ा होती ही नहीं। वो गाती थी ना मैं द्रौपदी, मैंने बचपन देखा नहीं, ऐसे ही देव सारे ऐसे होते हैं, बचपन ही नहीं देखते, सीधा 32 एकदम हृष्ट पुष्ट सुंदर अच्छे से अच्छे रूप में सीधे वैसे उपजते हैं। तो शरीर हम होते हैं 5 प्रकार के, यहाँ पर आप खाली 5 लिखो। हाँ, औदारिक शरीर जो उदर में से होता है, ये होता है केवल मनुष्य और तिर्यंच के, लेकिन बाकी सबके जो देव वगैरह हैं उनके तेजस शरीर होते हैं, डिफरेंट ही टाइप के, तेजस नहीं सॉरी वैक्रिय शरीर होते हैं। तो पहला है औदारिक शरीर, दूसरा वैक्रिय जो देव और नारकीय के होते हैं। इन वैक्रिय शरीर को कितना भी बड़ा भी किया जा सकता है, कितना छोटा भी किया जा सकता है, और ये शरीर ऐसा होता है नारकी में तो कि उसके खंड 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 जितने टुकड़े कर दो, खंड खंड टुकड़े करो, दर्द होगा कि नहीं, दर्द होगा, लेकिन उन शरीरों की कैपेसिटी कैसी होती है कि वो वापस सारे जुड़ जाते हैं, यानी दर्द भी होता है और वापस जुड़ते भी है, और जुड़ेंगे तो दर्द रहेगा कि नहीं, इमीडिएटली हील तो कर नहीं जाते, इसलिए वापस सारे जुड़ते हैं, दर्द में बिलखते रहते हैं पूरा टाइम दर्द में। ये वैक्रिय शरीर नारकी का। आहारक शरीर एक होता है, ये लब्धिधारी मुनियों के पास होता है, ये भी बड़ा मजेदार शरीर है, जैनिज्म में इसकी बात आती है। ये आज का सत्संग तुम ना खाली खाली ऐसे कहानी की तरह सुन लो, इसमें बहुत डिटेल्स हैं, लेकिन तुम्हारे मतलब हाँ इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं नो डाउट, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि अच्छा ऐसा भी होता होगा। तो ये आहारक शरीर क्या होता है कि लब्धिधारी जो ज्ञानी अपनी साधना में डूबे हैं, बस केवल ज्ञान के निकट निकट हैं, केवल ज्ञान नहीं हुआ अभी, लेकिन केवल ज्ञान के निकट आते हुए भी उन्हें अंदर में कोई प्रश्न उठता है, शंका उठती है।
अब शंका का समाधान लेने के लिए वो तो जाएंगे नहीं क्योंकि अपनी साधना में मस्त है, लेकिन मन की किसी लेयर पर शंका उठती है तब वो क्या करते हैं, अपने ही शरीर में से एक इतना अपने आधे हाथ जितना एक छोटा सा पुतला बनाते हैं और उस पुतले को जो भी विहरमान तीर्थंकर होते हैं, जो भी उस समय तीर्थंकर है, उनकी परिषदा में, उनकी सभा में भेजते हैं प्रश्न लेकर। वो प्रश्न का समाधान लेकर आता है, यहाँ पर समाधान देता है और पुतला ध्वंस हो जाता है। अब ये पुतला जो बनता है उसका जो शरीर है उसको आहारक शरीर कहा जाता है। ये एक डिफरेंट शरीर होता है, यहाँ हम लोगों को देखने में नहीं आएगा। ये जो लब्धिधारी साधना में डूबे हुए लोग हैं, जो केवल ज्ञान के निकट निकट है, वो ये आहारक शरीर की रचना करते हैं। चौथा तेजस शरीर है, यानी हमारे भीतर भी होता है तेजस और कारमन। तेजस यानी जो अग्नि शरीर हमारे भीतर है कि नहीं, अग्नि, वो अग्नि वाला। और पांचवा है कारमन शरीर, जो कार्मिक लेयर जिसके ऊपर ये सारी चर्चा चल रही है, ये कर्म प्रकृति जो चल रही है वो भी एक बॉडी के अंदर जाकर कैप्चर हो जाती है, दैट इज कार्मन शरीर। इस प्रकार पांच प्रकार के शरीर होते हैं। कितने हो गए 93 में से, कम तुम गिनते जाओ, 79, चलो अभी और 79 करने हैं, ठीक है। शरीर अंगोपांग नामकरम, अब फटाफट इसको समझना। शरीर अंगोपांग नामकरम क्या होता है, शरीर के अंग उपांग में प्राप्त निमित्त कर्म। इसके अंदर अंग और उपांग सब कुछ व्यवस्थित हो, अंग भी, और अंग हाथ को कहते हैं, उपांग उंगलियों को कहते हैं। अंग और उपांग में फर्क क्या है, अंग हाथों को कहेंगे तो उपांग उंगलियों को कहेंगे। अंग होते हैं दो हाथ, दो पैर, सिर, पेट और छाती, और बाकी का जो शरीर होता है उन सबको उपांग कहते हैं। नाक, आंख, कान, उंगलियां, ये सब कुछ उपांग बोले जाते हैं। तो औदारिक शरीर नामकरण बांधा है तो तुम्हें वैसे अंग उपांग मिलेंगे, क्यों, तुम्हारी आंखें ऐसी है और बिल्ली की आंखें अलग है, उसने अलग नामकरण बांधा है, उसकी आंखें अलग होगी, तुम्हारी आंखें अलग होगी। औदारिक शरीर का अंग उपांग अलग होगा, वैक्रिय शरीर के अंग उपांग अलग होंगे, यानी देव और नारकी के, और आहारक शरीर का भी अंग उपांग, आहारक कौन सा था, पुतले वाला, उसके भी अंग उपांग अलग ढंग से बनेंगे, बाकी तेजस और कारमण के अंग उपांग नहीं होते। तो इसके तीन लिखे। उसके बाद शरीर बंधन नाम कर कर्म के, तुम्हारे शरीर का बंधन कैसा होगा, तुम्हारे शरीर का बंधन मतलब ढांचा कैसा होगा। औदारिक शरीर में होगा तो औदारिक जैसा होगा, वैक्रिय होगा तो वैक्रिय, तो जो पांच है वहां वही पांच यहां पर आ जाएंगे। बंधेगा कैसा, तो वो भी जो ऊपर पांच बताए थे, औदारिक, वैक्रिय, कारमण, तेजस और आहारक, वही यहां पर भी बंधन कर्म। छठा शरीर संघातन नाम कर्म, शरीर का संघात कैसा होगा, शरीर पुद्गल बंधे भी और फिर सन्निहित भी रहे। संघात का अर्थ यानी बंध कर इकट्ठे होकर रहना, बंध तो जाए लेकिन फिर बिखर जाए, तो बंध जाए, बंध कर पूरे तुम्हारे तो आयुष्य तक ऐसा ही बंधन बने रहना, ये होता है शरीर संघातन नाम कर्म। ये भी वापस वही पांच तरह का है, जो शरीर बना वो एक बात है लेकिन फिर बना रहे पूरे जीवन। तुम अभी, तुम्हारा आहारक शरीर है तो आगे जाके 40वें साल पर तुम्हारा वैक्रिय शरीर हो जाइए, कभी पॉसिबल नहीं है। आहारक है तो आहारक ही रहेगा। इसलिए कई लोग जो कहते हैं, कई लोग धर्म परिषदा के अंदर भी आकर कुछ झूठ आदि का प्रचार है या पाखंड है या वट एवर इट इज, कहते हैं हम यहाँ देह में रहकर, हम वहाँ गए थे सिमंदर स्वामी की परिषदा में जाकर, हमने ये सुना, हमने ये किया, वो किया। तुम जा ही नहीं सकते, ये मना करता है तुम्हारे पास। हाँ, या तो तुम लब्धिधारी हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम लब्धिधारी नहीं हो तो तुम यहाँ बैठे बैठे कल्पनाएं कर सकते हो, महाविदेह क्षेत्र कैसा होगा, सिद्ध शिला कैसी होगी, नरक कैसा होगा, स्वर्ग कैसा होगा, तुम जा नहीं सकते, कल्पना कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कई लोग, मैंने सालों पहले पाखंड सुने थे कि ये चला गया महाविदेह क्षेत्र के अंदर और वहां से ये देखा, ऐसी कोई लब्धि कर्म शास्त्र मना करते हैं, संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा औदारिक शरीर है, माँ के पेट से आया हुआ है कि तुम्हारा कुछ अलग टाइप का है, उदर में से आया है। औदारिक शरीर के पास वैक्रिय शरीर होने की ताकत नहीं होती, ना तो तुम लब्धिधारी हो कि औदारिक भी हो और साथ में आहारक शरीर भी बना दो, तो ये भी संभव नहीं है। जो तुम्हारा संतान पैदा हुआ तब बना, वही तुम्हारा आजीवन चलता रहता है। नेक्स्ट है सातवां, इसके कितने लिखे, इसके भी पांच भेद, ठीक है। फिर संहनन नामकरम, इसके छह भेद हैं,
सनहनन, तुम्हारे हड्डियों का बंधन कैसा होगा? तीर्थंकर आदि जब होते थे, हड्डियाँ इतनी स्ट्रांग होती थी, दो हड्डियाँ, उसी की पट्टी और उसी की कील, लिगामेंट्स, टेंडन, टेंडन क्या बोलते हो कील को, टेंडन, लिगामेंट, टेंडन, सब चीज़ें हड्डियों की, ऐसी पक्की हड्डियाँ कि कहीं ऊपर से गिरे ना नीचे तो भी हड्डी टूटे नहीं। ये तीर्थंकर के काल में तीर्थंकरों की हड्डियाँ इतनी पक्की। फिर धीरे धीरे जैसे काल का ह्रास होता है, वैसे वैसे हड्डियाँ भी हमारी ढीली होती है। फिर दो हड्डियों के साथ एक लिगामेंट जो होता है वो लूज़ हो जाता है, वो नहीं होता तो टेंडन लूज़ हो जाता है, कहीं ना कहीं हड्डियों के बीच में कुछ घुस जाता है। अभी हमारा तो हाल है ना हड्डियों का ठिकाना ना लिगामेंट्स का, किसी का भी कुछ ठिकाना नहीं। ये पंचम काल के अंदर ऐसा ही होता है, लेकिन ये छह अलग अलग प्रकार से होते हैं। पहला जो तीर्थंकर जैसे प्रकृति में होते हैं, उसका मेन ये होता है दो हड्डियाँ, उसको रैप करती हुई भी हड्डी, और उसको रैप करके जो आप किसी गिफ्ट को पैक करोगे तो कहीं सेलो टेप लगाओगे कि नहीं, तभी तो रैप रहेगी। तो जहां वो सेलो टेप लगाने की जगह जो कील लगाई जाती है यानी सेलो टेप, वो भी हड्डी की, इतना जबरदस्त सनन। इस कारण से उनकी शरीर की शक्ति अलग होती थी। कहते थे ना, एक मुष्टी मारेंगे ना एक मुक्का मारेंगे और ऐसा सामने वाला बेहोश, क्योंकि उनकी हड्डियों में इतना बल था। धीरे धीरे करके ये हड्डियों का बल कम होता है, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। इसके भी अलग अलग छह प्रकार है, मेरी डायरी में सब लिखे, आपको जानने हो तो ले जाना, लेकिन यहां पर इतना आवश्यकता ही नहीं। तो सबसे जो वज्र नारंच होता है, ये सब होते हैं ना वज्र ऋषभ नारंच और ये अलग अलग, तो अभी जो चल रहा है वो सेवार्थक सनन, यानी दूसरों की सेवा लेने वाला। हड्डियों का तुम्हारा जो हाल है ना, वो दूसरों से सेवा लेने वाला हो गया है। लास्ट इन्होंने ऐसा ही दिया है। नेक्स्ट कितने हो गए भाई? 60। हाँ, तुम लोग काउंट डाउन रखना, उसे ना मेरा भी हौसला रहेगा। फिर आठवां संस्थान नाम करम, इसका प्रभाव शरीर की आकृति और रचना और डील डॉल पर पड़ता है, जो शारीरिक ढांचों में विविधता दिखाता है। भगवान इसमें भी अगेन छः हैं, छः लिखे हुए, इसमें भी छः हैं। भगवान का जो होता है सम चतुर संस्थान होता है, यानी सब कुछ यूं और यूं ऐसे करो तो एकदम सम चतुर संस्थान बोलते हैं। उनका नारंच कैसा होता है? सनन, वज्र ऋषभ नारंच, सनन, यानी कि उनकी हड्डियाँ इतनी स्ट्रांग होती है। लेकिन उनका बॉडी भी कैसा होता है, अगर उनको बैठे हुए आकार में देखा जाए तो ऊपर से, जैसे आप बैठे हैं ना, ऊपर से आपके नीचे तक और इस पैर से इस पैर तक का जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस होगा। इतना परफेक्ट उनका बॉडी होता है। आप कभी मंदिरों में प्रतिमा भी देखोगे ना, तो वो बैठे हुए आकार में पता चलेगा ऊपर से नीचे तक, और यहाँ से इस पैर तक जो उसका उसका लेंथ और विड्थ होगा, दोनों हाइट और लेंथ और इनफैक्ट विड्थ भी सब कुछ एक जैसा एक मात्रा में ही होता है, दैट इज तीर्थंकर। और हमारा आते आते तो हुंडक हो जाते, यूं हो जाते हैं हम लोग। यहाँ इसके बीच में छः और हैं, तो ये छः प्रकार के संस्थान नामकरण, ये भी तुम बांधते हो। और किससे बांधते हो? उन्हीं चार से। ये सब कुछ बंध किससे रहा है? उन्हीं चार से बन रहा है और कुछ नया नहीं है। वर्ण नामकरम नौवा है। वर्ण नामकरम, ये पांच प्रकार के वर्ण, तुम्हारे हाथ पांव आंख बाल सबका रंग होता है कोई ना कोई, तो पांच प्रकार के रंग है, लाल पीला हरा काला और श्वेत। ये कोई भी कलर है या इनके कोई भी कॉम्बिनेशंस है, बेसिक कलर ये पांच है, लाल पीला हरा काला और सफेद, इनमें से ही कोई ना कोई कलर होगा। ये तुम्हारी आंखों का बालों का चेहरे का स्किन का अलग अलग कलर्स होंगे, तो ये भी तुम नामकरम के अंदर ही मानते हो, ये वर्ण नामकरम। दसवां गंध नामकरम, इस कर्म का प्रभाव शरीर के गंध पर पड़ता है, तुम्हारे शरीर में से सुगंध आती है, जैसे तीर्थंकर के ज्ञानी के शरीर में से खुशबू आती है। ये एक पुष्प ले लो, पुष्प भी तो एक जीवी है, उसमें से सुगंध आती है। या कस्तूरी मृग ले लो, उसके भी शरीर में से खुशबू आती है। तो इन सब ने क्या किया है, तुम्हारे शरीर में से कस्तूरी मृग जैसी खुशबू नहीं आएगी, लेकिन कस्तूरी मृग में से आ रही है, मतलब उसने शुभ नाम करम जबरदस्त बांधा है, उसमें से आ रही है, तुम में से नहीं आ रही। और दुर्गंध होता है दूसरा, दुर्गंध यानी सुअर है मनुष्य है हम लोगों में से, ऑलवेज कितना भी रॉ मटेरियल डालो फिनिश प्रोडक्ट डालो, लेकिन निकलेगा तो
एक ही फैक्ट्री ऐसी है, मैं कुछ पढ़ रही थी एक दिन, उसमें आ रहा था कि दुनिया की जितनी फैक्ट्री होती है वो कैसी होती है, रॉ मटेरियल डालो फिनिश प्रोडक्ट आएगा। ये एक ही फैक्ट्री ऐसी है, कितना भी फिनिश प्रोडक्ट डालो रॉ मटेरियल ही बाहर आता रहेगा। और ऐसा ही हाल है सच में ये गंध नाम कर्म के कारण। ग्यारहवां रस नाम कर्म, ये अगेन 5 प्रकार का होता है, तीखा, कड़वा, कशेला, खट्टा, मीठा। तुम्हारा बॉडी किस प्रकार के जूसेस सिक्रीट करता है, किसी को बहुत खट्टा एसिडिटी डकार रहती है, कोई कड़वा, किसी का बदबूदार, अलग अलग होते हैं ना सबकी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस, ये सारा तुम्हारे रस नाम कर्म के कारण होता है। फिर स्पर्श नाम कर्म, इस कर्म के उदय से शरीर के स्पर्श पर प्रभाव पड़ता है, शरीर के बालों के, किसी के बाल कोमल होंगे, किसी के कठोर होंगे, किसी का शरीर कोमल होगा, किसी का कोमल नहीं होगा, किसी का चिकना होगा, किसी का रूखा होगा। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं, 8 प्रकार के वो इसके अंदर है। आज बहुत ज़्यादा डिटेल है, और ये साहिबा हो ना, तुम आ गई हो, तुम्हें नींद आ रही होगी, ये स्वाभाविक है अब, लेकिन अब यू हैव लैंडेड इन ना, मैं क्या करूँ, ये टफ भी नहीं है, बोरिंग है। कई बार टफ सत्संग होता है ना, वो तो तुम्हें फिर भी जगा के रखता है, लेकिन आज का सत्संग तुम पूछना इन लोगों से, इतना बोरिंग कभी भी नहीं होता। आज ही ऐसा विषय आया है ना, और ये लड़की ने बहुत खूबसूरत भक्ति गाई तुकाराम जी की, मेरे तो यहाँ छप गई। किसी दिन मौका मिलेगा इस बच्चे से मुझे कहना है तुम वापस गाओ, आंख बंद करके, रे मन ऐसा दिन न दे जो, ऐसा कुछ था ना, ऐसा ही गाया था, ऐसी आदत मत देना के, हाँ ऐसी याद नहीं होगा, आद होगा, आद, ऐसी याद न देना जो जो हरि चरणों से दूर ले जाए, हाँ ऐसी किसी और की याद मत देना। मैं तो आद ही सुन रही थी, खैर मैंने तो अपना अर्थ निकाल लिया, ऐसी आदत मत देना जो हरि चरणों से दूर ले जाए। भक्ति के शब्द मुझे तो आद ही सुनाई दिया था, याद तुम बोल रही हो आज तो पता चला, लेकिन मैं तो जब भक्ति सुनती हूँ ना तो मालूम है भक्ति से भी रूपांतरण हो जाता है। ये ज्ञान वगैरह तो हम लोगों ने अब शुरू किया है, अब ये सो रही थी ना इसलिए मैंने कहा इससे थोड़ी बातें कर लूँ। भक्ति से रूपांतरण करने का ढंग क्या है तुम्हें बताऊँ? देखो सत्संग से भी रूपांतरण होता है, भक्ति से भी होता है, और ध्यान से भी। लेकिन खाली तुम भक्ति में बैठ जाओगे उससे रूपांतरण नहीं होगा, या खाली तुम सत्संग में बैठ जाओगे तो रूपांतरण नहीं होगा, या खाली तुम ध्यान में स्वराज क्रिया का वो ईयरपॉड्स लगाकर बैठ जाओगे उससे भी नहीं होगा। ढंग क्या है? मैंने 2-3 साल पहले यूएसए में एक सत्संग हुआ था ना, उसमें ये बात उन्हें बताई थी कि कैसे भक्ति टूल बन सकता है, इट कैन बिकम अ टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे सत्संग कैन बिकम अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हाउ मेडिटेशन कैन बिकम अ टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। भक्ति से जब रूपांतरण करना हो तो उसकी दो शर्तें हैं, दो शर्तें कि जब भी आप भक्ति के अंदर हैं और जो भी शब्द बोला जा रहा है वो तुम्हें उस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अब तुमने याद बोला कि आद, मैंने तो आद लगा के पूरे मीनिंग तो निकाल दिया ना कि भगवान ऐसी आदत मत देना कि तुम्हारे चरणों से दूर चले जाऊं, तुमने बोला याद। भक्ति में हमेशा अर्थ समझ कर भक्ति करनी है, म्यूजिक को की ओर ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होने चाहिए। और दूसरी युक्ति होती है कि जब भी हम भक्ति करते हैं, शब्द सुनते हैं, उसमें जो भी ऐसा प्रेम, प्रीत, गुरु, ईश्वर, भगवान, उसमें हमें हमारे हायर का चेहरा दिखना चाहिए। ये दो बातें मैंने बताई। अच्छा, ऐसे नए नए लोग आते रहेंगे ना तो थोड़ा तुम्हें भी रिफ्रेश हो जाएगा। अब तुम लोग लगता है भक्ति तो चलो लास्ट वो शुरू शुरू में इनका खाली ठोकाबाजी होती है, 15 मिनट बाद आओ चलेगा, नहीं, भक्ति इज अ ग्रेट टूल टू ट्रांसफॉर्म। लेकिन वो ट्रांसफॉर्म तब करेगी जब तुम्हें एक एक शब्द पता हो, और दूसरी बात तुम्हें हायर का चेहरा दिखना चाहिए। इसलिए नियम है कि भक्ति आंख बंद करके होती है, कभी खोल के, तुमने मुझे कभी देखा आंख खोलकर भक्ति करते हुए? नियम है भक्ति आंख बंद कर। इसी तरह मैंने सत्संग का भी बताया था, अब चलो ये विषय पे बात कर ले, तीन है ये, तो देखो खिल गई, वो वापस हो जाएगी, अभी ये शुरू करेंगे। स्वाति प्रभु ने बोला ये करा दो प्रभु, और शास्त्र में लिखा था कि इन दोनों के अनेक प्रकार है, इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तो खुद नहीं चाहती थी करना।
क्या बात कर रहे थे, सत्संग का, युक्ति, सत्संग से कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। पक्का निश्चय है कि सत्संग की सारी बातें तुम्हें याद नहीं रहने वाली, लेकिन सत्संग से ऑलवेज तीन टेक अवे पॉइंट्स बनाओ, तीन। अब आज के सत्संग से तुम क्या बनाओगे मुझे पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में जो चला उससे तो बना सकते हो ना, प्रीत होनी चाहिए और शंका नहीं होनी चाहिए, उसमें से टेक अवे बन सकते हैं। कितना भी गहन सत्संग हो, चाहे एक उसमें से 100 पॉइंट निकलते हो, लेकिन तुम्हारे लिए सत्संग तब रूपांतरण का माध्यम बनेगा जब तुम अपने लिए मात्र तीन टेक अवे पॉइंट्स निकाल दो। पल्लवी प्रभु को याद आ रहा है, सत्संग में मैंने कहा था यूएसए में, तीन खाली टेक अवे पॉइंट्स, मिनिमम 3 टेक अवे पॉइंट्स, और उन तीन टेक अवे पॉइंट्स में से एक को 48 घंटे के अंदर अप्लाई कर लो। ये पहला ही पॉइंट है, तीन टेक अवे पॉइंट लो आज के सत्संग में से भी, तीन टेक अवे पॉइंट, लेकिन कोई एक को 48 घंटे के अंदर अप्लाई कर लो। ये सत्संग से तुम रूपांतरित हो रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि तुम आज सत्संग सुनोगे और 5 साल बाद तुम देखोगे हम रूपांतरित हुए कि नहीं। ये रूपांतरण होगा ही तब जब तुम इस बात को फॉलो करोगे। भक्ति से कैसे रूपांतरण होगा, शब्दों का अर्थ समझना। तुम्हें अर्थ समझ ना आए तो तुम इन लोगों से पूछना, तुम्हें भी ना समझ में आए तो तुम मुझसे पूछना, लेकिन तुम्हें तो नियम देती हूं मैं कि समझे बिना तुम गाना ही मत। अचानक भी गाने को बोल दो तो भी कहना प्रभु इसका अर्थ हमें नहीं पता, समझ कर गाना। भक्ति से रूपांतरण तब होगा जब अर्थ समझ कर भक्ति में उतरो, और नंबर 2 उसमें तुम्हें हायर का चेहरा देखना चाहिए। सत्संग से ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब किसी भी सत्संग से तुम तीन टेक अवे पॉइंट्स निकालते हो, लिखते हो अपनी डायरी में बकायदा, भले ही ऐसे पूरे पूरे नोट्स ना लिखो, तीन टेक अवे पॉइंट और उसमें से एक को 48 आवर्स के अंदर अंदर अप्लाई करना है, और दूसरा तीन नॉन अंडरस्टैंडेबल थिंग्स, तीन बातें जो आज के सत्संग में तो बहुत मिल जाएगी तुम्हें, जो बातें तुम्हें समझ ही नहीं आई वो भी लिखो। ये क्या करेगा, देखो तुम्हें जितना समझ में आ रहा है वो तुम्हारी बुद्धि की कैपेसिटी बता रहा है, लेकिन इस बुद्धि की कैपेसिटी में भगवत अनुभूति होती तो अब तक हो जाती कि नहीं, इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। इसलिए हर सत्संग में से तीन ऐसे शब्द या तीन ऐसी बातें या तीन ऐसे फ्रेज या कोई भी तीन ऐसी चीज लिखो जो तुम्हें लगता है तुम्हें समझ नहीं आई, शुरू शुरू के लिए, बाद में तो ठीक है तुम्हें शायद सब समझ में आने लग जाए, लेकिन कोई भी तीन ऐसी बातें लिखो जो तुम्हें समझ में नहीं आई, एंड आस्क इट फ्रॉम योर हायर। तुमसे आगे जो भी है, तुम अपने पापा से भी पूछ सकते हो कि पापा ये जो प्रभु ने कहा उसका मीनिंग क्या है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, गाड़ी में बैठते ही दूसरी बातें शुरू होगी। लेकिन अगर तुमने तीन पॉइंट्स लिखे हैं, सत्संग से निकल कर भी तुम सत्संग की धारा में हो, ये सत्संग तुम्हारे लिए रूपांतरण का कारण बन जाता है। भक्ति से युक्ति क्या है, भक्ति से बदलाव की शब्द समझकर, और दूसरा ये जो आज हम कर रहे हैं ना सब बिल्कुल एक्स्ट्रा कोर्स है, सच में साहिबा मैंने कभी नहीं कराया ये, और मेरे को भी कितना कन्विंस करना पड़ रहा है इस बच्चे को, लेकिन ये जो मैं अभी बता रही हूँ ना, दीज आर द टूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। भक्ति से होता है, सत्संग से कैसे होता है, तीन टेक अवे पॉइंट और उसमें से एक का एप्लीकेशन 48 घंटे में, दूसरा तीन चीजें जो समझ ही नहीं आई, क्योंकि तुम्हें अपनी बुद्धि की कैपेसिटी को विकसित करना होगा, नहीं तो होगा कैसे काम, और वो विकसित कब होगा, जो तुम्हें नहीं समझ में आता वो किसी से पूछो, बात करो। और मेडिटेशन, जितना कहा जाता है बस उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। एंड इन मेडिटेशन फोकस शुड नॉट बी ऑन द प्रैक्टिस, फोकस शुड बी ऑन द एक्सपीरियंस। ये तो जैसे जैसे तुम आओगे ध्यान करोगे तुम्हें पता चलेगा कि ध्यान का हमारा उद्देश्य है कि भीतर तुम्हारे क्या हो रहा है उसका अनुभव करते रहो। इसलिए मैंने दोनों की, तीनों की दो दो युक्तियाँ बताई थी, अभी तुम लोग भी थोड़ा जाग गए, थोड़ा समझ लेना कि इन तीनों की दो दो युक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे भीतर रूपांतरण प्रकट करेगी, प्रस्तुत करेगी, इसके बिना रूपांतरण नहीं हो सकता। ज्ञान चाहे कितना भी ले लो, ज्ञान रूपांतरण नहीं करता, जो भीतर का अनुभव है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, और अनुभव इस प्रकार से होता है। रिज्यूम, बोलो कहाँ पहुँचे हम, स्पर्श नामकरण, 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं,
ये 8 प्रकार के स्पर्श मैंने बता दिया, तुम्हारे सिर मतलब बालों का, तुम्हारे चमड़ी का, तुम्हारे हर, तुम्हारा जितना भी, तुम्हारे वचन का भी, उसके अंदर भी स्पर्श, खैर वचन का एक दूसरा भी है कहीं, वरना वचन भी ऐसे ही होते हैं, किसी के वचन इतने कोमल स्पर्श देते हैं हमें, किसी के वचन कठोर स्पर्श देते हैं, तो उसमें भी आता है। 13वां अघुरु लघु प्रमाण युक्त वजन वाला, मतलब तुम्हारा जो भी वजन होगा, जिस वस्तु का तुम्हारा, अभी तो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारा वजन इतना होगा जिसे तुम संभाल सको, चाहे तुम 100 किलो के हो, चाहे तुम 50 किलो के हो, तुम्हारा वजन हमेशा उतना ही होगा जितना कि तुम संभाल सको, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। किसी को ऐसा लगता है मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, तो मे बी देयर इज सम डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे शरीर के लिए ये न्याय है कि वजन उतना ही होगा जितना तुम संभाल सको। तुम संभाल कर उससे एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, बस तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम संभाल कर एक्सरसाइज शुरू कर दो, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ, तुम्हारे अंदर काफ़ी सारी शक्ति आ जाएगी कि जिस शक्ति से तुम इस वजन को संभाल पाओगे। ये मुझे कई बार कहते हैं वॉक करते करते कि वजन ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, होता किससे है, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है इस वजन को संभालने की। तो ऐसा ही है, ये अगुरु लघु नामकरण क्या कहता है कि तुम्हारा जितना भी वजन है तुम्हारे संभालने के लिए इनफ है। एक बच्चा होता है 2 किलो 4 किलो का पैदा होता है, तो 4 किलो का अपने को संभालने के लिए इनफ वजन है, लेकिन उसकी मसल्स वीक है, इस कारण से वो अभी अपने आप को संभाल नहीं पाता। इसलिए अगुरु लघु गुण कहता है कि तुम्हारा वजन हमेशा प्रमाण युक्त ही रहेगा। ये इसका एक ही है, मतलब ये 1 only। फिर 14 उपघात नाम कर्म, इस कर्म के उदय से जीव अपने ही अव्ययों से दुखी होता है, ऐसा भी एक नामकर्म जीव। अच्छा, ये इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे ही कर्म बांधते हैं, कोई बांध सकते हैं कोई नहीं भी बांधते। तो ये उपघात नाम कर्म कैसा होता है कि हम अपने ही, जैसे दांत बाहर निकल आए, अपने ही दांत से हमें खुद को ही लगती रहती है। कईयों के होते हैं ना अंदर में दांत बढ़ जाते हैं, कईयों का होता है अंदर में मांस बढ़ जाता है, ये नाखून अंदर की तरफ बढ़ता है, तो वो खुद ही तुम्हें नाखून, तुम्हारा ही अंग तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो ये होता है उपघात नामकरम, कुछ तुमने ऐसा नामकरम बांधा है कि तुम्हारा ही अंग तुम्हारे को दुख पहुंचाता रहता है, कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाता है, ये भी होता है। 15वां पराघात नामकरम, इसके उदय से जीव का प्रभाव अलग ही होता है, अपने पराये उसकी बात तुरंत मान लेते हैं। पराघात नामकरम अच्छा नामकरम है, अपने पराये उसकी बात तुरंत मान लेते हैं, समाज के नेता, घर के मुखिया, ये सब जो होते हैं पराघात नामकरम वाले होते हैं, इवन सद्गुरु भी पराघात नामकरम वाले होते हैं। इस कारण इनकी बात लोग बड़े आसानी से मान लेते हैं। तुम देखोगे कुछ बात राइट भी तुम कह रहे हो ना तो भी वो नहीं मानेंगे, और वही बात घर का दूसरा इंसान गुस्सा करके या ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन भी नहीं करता फिर भी वो मान लेते हैं। क्यों? तब तुम्हें राग और द्वेष में नहीं जाना, तुम्हें यही समझना है कि उसका पराघात नामकरम इतना जबरदस्त है इसलिए उसकी बात मान लेते हैं। अगर हमें ये ज्ञान नहीं होता तो हम क्या करते, तुरंत राग द्वेष में जाते हैं कि नहीं, अरे मैं इतनी देर से समझा रही हूँ मेरी नहीं सुनती है, और इसने एक बार बोला इसकी एक बार में सुन ली, हम राग द्वेष में जाते कि नहीं, ईर्ष्या वृत्ति में जाते कि नहीं। लेकिन जहां तुम ये लगाओगे पराघात नामकरम, तुम्हें क्या पता चलेगा, अरे उसका पराघात नामकरम जबरदस्त है, इस वजह से उसने बात को 2 लाइन में कही और वो मान गए, और हम लोग 2 घंटे से समझा रहे थे तो भी नहीं मान रहे थे। इसलिए सारी जो योजना है फाइनली तुम्हारे राग द्वेष को कम करने के लिए है कि भाई उस किसी का काला रूप देखकर तुम्हें घृणा हो तो तुम्हें अब क्या क्या देखना है, उसका ये नामकरम है, रूप नामकरम। कौन सा था, काला नहीं, काले में गंदे, वर्ण नामकरम, वर्ण नामकरम उसका काला है वो, इसलिए किसी के गोरी चमड़ी देख के उसकी तरफ हम आकर्षित होते थे तो अब तुम्हें क्या देखना है, अरे उसका ये नामकरम है इसलिए उसकी चमड़ी गोरी है, बात खत्म हो गई। ये आकर्षण तो तुम्हारे अंदर का विकार है, चमड़ियाँ देख के आकर्षण होता हो या द्वेष होता हो तो तीर्थंकर को भी हो, हमें भी हो, लेकिन होता नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का विकार जो है ना ये आकर्षण कराता है। इसलिए पराघात नामकरम यानी कि उसकी बात सब लोग मान लेते हैं। 16वां अनुपूर्वी नामकर्म,
अनुपूर्वी नामकरण इसके भी चार भेद हैं। ये ट्रैफिक पुलिस जैसा काम करता है, तुम मृत्यु के बाद किसी दूसरी गति में ना चले जाओ। देखो कितनी डिटेल्स दी है, क्योंकि अब तो तुम्हारी मृत्यु हुई, तुम्हारा आत्मा यहाँ से निकला, कहीं तो जाएगा। अब तुम्हें अगर नरक में जाना है तो यू हैव टू गो डाउन एज पर द जैन कॉस्मोलॉजी। अब तुम डाउन के बदले ऊपर चले गए तो नहीं, ऊपर नहीं जाना, तुम्हें डाउन ही जाना है। इसलिए इस कर्म का नाम ही अनुपूर्वी नाम कर्म, यानी इट एक्ट्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिस। जिस तरफ जिस दिशा में तुम्हें जाना है, ये तुम्हें उसी दिशा में लेके जाएगा, क्योंकि जहां तुमने शरीर छोड़ा उसके बाद बाहर कौन तुम्हें डायरेक्ट करने वाला है, यहां जाओ नर्क लाइज हेयर, स्वर्ग लाइज हेयर, मोक्ष लाइज हेयर, तिरियंश लाइज हेयर, ऐसा कौन कहीं है? कोई गाइडलाइंस है कहीं? कोई माइलस्टोन्स लगा रखे? नहीं। वहां कौन अटकाता है और कौन ले जाता है, ये अनुपूर्वी नाम। हाउ ब्यूटीफुल डिटेल्स, हम इसके लिए खुश हो सकते हैं। सत्रहवा है, ये चार प्रकार का है, गुड। सत्रहवा है पर्याप्ति नाम कर्म। पर्याप्ति का अर्थ होता है शक्ति। इसके उदय से जीव अलग अलग प्रकार की शक्ति पाता है। पहला है आहार पर्याप्ति, आहार ग्रहण करने की शक्ति। चाहे एक इंद्रिय वाला भी जीव हो, लेकिन वो आहार तो ग्रहण करता है ना, तभी तो अपने आप को टिकाता है। तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति आती है, उसके बाद शरीर बनाने की शक्ति, उसके बाद इंद्रिय निर्माण की शक्ति, फिर श्वास लेने की शक्ति, फिर भाषा की शक्ति, और उसके बाद मन की शक्ति। ये छह अलग अलग प्रकार की पर्याप्ति। डोंट गो इन डिटेल्स। तुम्हें बहुत मन नहीं, अनु प्रभु जय श्री प्रभु जैसों को बहुत मन होगा तो मुझसे अलग से आके समझ लेना, बाकी मैं खुद एडवाइस करूंगी, ज्यादा जरूरत नहीं है। सत्रहवें में हुई छह प्रकार की अलग अलग पर्याप्ति यानी शक्तियां। अठारहवें में अपर्याप्त नाम कर्म। इसके उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाता। अपर्याप्त नाम कर, यानी कोई बच्चा है वो माँ के पेट के अंदर मनुष्य जीवन में आया है तो छः छः शक्ति उसके पास होनी ही चाहिए, लेकिन उससे पहले ही वो मर जाता है। तो ये अपर्याप्त नामकरण के कारण। नाउ सी, यू हैव आंसर्स टू एवरीथिंग। कोई बच्चा पेट में ही मर गया, कोई बच्चा पैदा होते ही मर गया, एक भी श्वास नहीं ली उससे पहले ही मर गया, तो श्वासों श्वास की शक्ति को खींचने से पहले ही वो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि अपर्याप्त नामकरण बांध के आया था। अशुभ नामकरण है, तुम देख रहे हो इसमें कुछ शुभ है कुछ अशुभ है, अपने आप ही पता चल रहा है। 19वां उच्छ्वास नामकरण। इसके उदय से जीव श्वासोश्वास लेता है, यह कर्म न हो तो शक्ति होते हुए भी श्वासोश्वास नहीं होगी। ये कर्म न हो, ये क्या होता है, मनुष्य जब मरता है तो शक्ति तो है कि नहीं, एक क्षण पहले तक वो श्वास ले रहा था लेकिन एक क्षण के बाद अचानक वो श्वास नहीं लेता, क्या हुआ इसका, ये वाला उच्छ्वास नाम कर्म खत्म हो गया, इसलिए अब ये नया श्वास नहीं ले पा रहा। आतप नाम कर्म, ये सब एक एक ही चल रहे हैं। अब आतप नाम कर्म, इसके प्रभाव से शरीर उष्ण न होने पर भी गर्म प्रकाश देता है। शरीर के अंदर आतप, शरीर गर्म नहीं है तो भी कितने लोग हमारे यही गौतम प्रभु बोलते थे, बुखार जैसा लग रहा है, डालो ना मुंह में तो बुखार 99 तक भी नहीं पहुंचता, 97 में आके अटकेगा, 96 में, पता है कितनी बार मुझे भी लगता था मुझे बुखार जैसा लग रहा है, और यहाँ देखो तो गर्म भी होता है लेकिन वास्तव में देखो थर्मामीटर पे बुखार नहीं आएगा। अब ये क्या है, तुम कहोगे या तो थर्मामीटर गलत है, लेकिन ये आतप नाम कर्म का उदय है। गर्मी लगने पर भी व्यक्ति को बीमारी रोग इत्यादि कुछ होता नहीं है। गर्मी शरीर गर्म लगता है पर वास्तव में गर्म होता नहीं है, ये तो बहुतों को होगा ऐसा, तो है ना, गर्म लगता है पर होता नहीं। 21वां उद्योत नामकरण। इसके उदय से शरीर द्वारा शीतल प्रकाश निकलता है। ये इसका उल्टा है कि शरीर ठंडा पड़ जाता है, ठंडा, जैसे आप आतप में गर्म रहता है इसके अंदर ठंडा पड़ जाता है। 22वां विहायो गति नामकरण। इसके उदय से जीव के चलने के ढंग पर प्रभाव पड़ता है। चलने का ढंग कैसा होता है, कोई इतना खूबसूरत चलता है कि उसकी चाल को देखते रहो, और कोई इतना बेडौल होके चलता है कि तुम्हें लगे कि भाई अब तू जल्दी जाए यहाँ से। कैसे, एक ऊँट की चाल, चलो मनुष्य में छोड़ो इसको, ऊँट में ऊँट कैसा चलेगा, उबड़ खाबड़, और एक हंस की चाल, तुम्हें मन करेगा हम देखते रहे देखते रहे। तो ये दोनों की देखो, दोनों तिरियंश में है कि नहीं, दोनों जानवर अवस्था में है, लेकिन दोनों की चाल में इतना फर्क क्यों है,
किसी की चाल देखने के लिए हम दूर दूर से जाते हैं हंस की चाल देखने, और कोई सामने से निकल जाए ना तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे ऊंट की चाल के लिए। किस लिए? क्योंकि उनका नाम कर्म इस तरह से शुभ और अशुभ बंधा हुआ है। ये दो प्रकार के हैं, विहाय योगति, शुभ और अशुभ। उसके बाद 23वां त्रस नाम कर्म, इसके उदय से जीव इच्छा पूर्वक गति करने वाले होते हैं, इच्छा पूर्वक चल भी सकते हैं और ठहर भी सकते हैं। तुम हो ऐसे कि नहीं? इच्छा पूर्वक चल सकते हो, ठहर सकते हो। 24वां स्थावर नाम कर्म, इसके कारण अपनी इच्छा से आना जाना नहीं पॉसिबल। पेड़ अपनी इच्छा से आ जा सकता है? नहीं जा सकता। तो जैसे पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, पौधे होते हैं, फूल होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, अपनी इच्छा से कोई उन्हें काट के ले जाए लेकिन उनकी इच्छा हो और वो वहाँ से चल पड़े, वो संभव नहीं है। ये स्थावर नाम कर्म। क्यों कुछ ऐसे होते हैं कि अपनी इच्छा से नहीं चल पाते और क्यों कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा से चल पाते? ये खाली एक नाम कर्म करोगे ना, इसके अंदर जैनिज्म से तुम्हें सारे आंसर मिल जाएंगे। कुछ भी होता है तो क्यों होता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस कर्म। 24वां स्थावर नामकरम एक प्रकार का। 25वां सूक्ष्म नामकरम, ऐसा शरीर जो आँखों से हम देख नहीं सकते, एग्जाम्पल बैक्टीरिया जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, एल्गेस, फंगस, वायरस, ये सब हमें बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पड़ेंगे। हमें दिखते नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है नहीं, है लेकिन हम नहीं देख सकते। किस लिए? सूक्ष्म नामकरम का उनका उदय है। 26वां बादर नामकरम, इस कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिलता है कि हम उसे आँखों से देख सकते हैं, हम सबका आँखों से देख सकते हैं। 27वां साधारण शरीर नाम कर्म, इसके उदय से अनंत जीवों को एक शरीर में रहना पड़ता है, ये साधारण। और एक इसके विपरीत होता है प्रत्येक शरीर, इसमें क्या होता है, इसके उदय से प्रत्येक जीव को अपना स्वतंत्र शरीर मिलता है। कितने ही, जैसे आलू है, प्याज है, एक शरीर के अंदर असंख्य जीव रहेंगे, हाँ कि नहीं? एक शरीर में लॉट ऑफ इतने माइक्रो और बैक्टीरियाज होंगे, इतना कुछ होगा एक शरीर में। इनफैक्ट इतनी सी कहते हैं सुई की नोक जितनी जगह पर भी असंख्य जीव रह लेते हैं ऐसे। तो वो किस कारण से उनको वो शरीर मिला? बिकॉज साधारण शरीर नामकरण किया था। और इसके विपरीत दूसरा होता है प्रत्येक शरीर नामकरण, ये इसको एक शरीर में एक ही जीव रहेगा, जैसे आम है एक शरीर में एक जीव। और इसलिए आम खाने में दोष नहीं है लेकिन आलू खाने में दोष लगेगा, क्योंकि एक शरीर को खाते ही तुम कितनी हिंसा कर रहे हो, और आम में तुम एक शरीर को खा रहे हो तो एक ही जीव की हिंसा कर रहे हो। हिंसा यहाँ भी है, हिंसा वहाँ भी है, लेकिन कौन सी हिंसा ज़्यादा हो गई? आलू के शरीर की। आम है, नीम है, जामुन है, इन सब में एक शरीर में एक जीव, लेकिन यहाँ आलू है, प्याज है, जितना भी जमीकंद है, वो सब में एक साधारण नामकरण एक के अंदर। प्याज भी है ना, जितने भी जमीकंद कहे, जितने भी और भी है ना, आलू प्याज और जितने भी जमीकंद वो सारे। 29वां स्थिर नामकरण, इसके उदय से शरीर के अवयव स्थिर रहते हैं, हड्डियां वगैरह झुकती नहीं, नॉन लचीला बॉडी। आपको ज्यादा पता होगा नु प्रभु, बहुत लोग आते होंगे आपके पास झुकी नहीं पाते। कितने होते हैं इतने मोटे से होंगे फिर भी बराबर झुक जाते हैं, जैसे आपने मुझे देखा ना उस दिन, इतना भारी शरीर लेकिन झुक सकता है पूरा। और कितने होते हैं एकदम दुबले पतले लेकिन झुक नहीं पाएंगे। तो ये भी एक शरीर की रचना होती है, ठीक है उनका आलस्य होगा या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, और भी बहुत कारण है, लेकिन मेन कारण क्या होता है? स्थिर नामकरण, इसके उदय से शरीर के अवयव स्थिर रहते, ऐसा एकदम स्टिफनेस शरीर के अंदर जो आ जाती है इस कारण से। कितने लोग, जैसे हम लोग साथ में कहीं यात्रा पे जाते हैं ना, तो 50 लोग गए होंगे, सब किसी को भी स्टिफनेस नहीं आएगी, लेकिन मेरे जैसे एकाध को जरूर स्टिफनेस इतनी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्थिर नाम कर्म का उदय होता है, हमेशा नहीं रहता। क्यों मुझको ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, क्यों तुम लोगों को किसी और को नहीं होता? क्योंकि स्थिर नाम कर्म का उदय हो जाता है, ये ऑलवेज सत्ता में सक्रिय नहीं रहता लेकिन सत्ता में पड़ा रहता है। इस कारण से इतने लोग एक ही कार्य करते हैं लेकिन 50 में से 45 को नहीं होता, 5 को हो जाता है, तो 5 का स्थिर नाम कर्म का उदय माना जाता है। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा ही बाकी है, थोड़ा और झेल लो। अस्थिर नाम कर्म, हड्डियाँ वगैरह झुकती है, लचीली फ्लेक्सीबल, ये अच्छी बॉडी है, फ्लेक्सीबल बॉडी है।
31 शुभ नामकरण शरीर के जो अंग देखने में अच्छे लगते हैं, किसी का शरीर हमें देखने में अच्छा लगता है, ऐश्वर्या राय, और किसी का शरीर हमें देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई सुअर है, कोई गेंडा है, वो शरीर देखने में अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो ये अशुभ नामकरण, शुभ नामकरण 31 और अशुभ नामकरण 32। सुभग नामकरण 33वां, इसके उदय में कुछ भी विशेष किए बिना ही लोकप्रियता मिलती है, ये बढ़िया नामकरण है। कुछ भी विशेष किए बिना लोकप्रिय हो जाता है इंसान, हमें लगता है भाई इसने किया क्या, पर वैसे देखो तो कितना पॉपुलर है, कितना सर्वप्रिय इंसान है, ये उसका सुभग नामकर्म, सौभाग्य नामकर्म का उदय होता है। और दूसरा होता है दुर्भग नामकर्म, कितना भी करे लेकिन लोगों के बीच में हमेशा अप्रिय बना रहता है, तुम्हें लगेगा ऐसा हमारे साथ बहुत होता है, लेकिन और भी कंडीशंस देखना, मोहनीय कर्म के कंडीशन भी चेक करना, ज्ञानावरणीय के भी करना, सीधा तुम्हें लगे कि हाँ हम कितना भी करते हैं ना, फिर भी लोग हमें ताना ही देते हैं, यश नहीं देते हैं, ये दुर्भग नामकर्म होगा। लेकिन तब देखना मोहनीय कर्म, तुम्हारा वेदनीय कर्म, उन सब के अंदर झांक कर देखना, वहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, उसके बाद इस पे डालना। 35वां सुस्वर नामकर्म, उसका स्वर प्रीतिकारक होता है, लता मंगेशकर है, AR रहमान है, उनका स्वर इतना प्रीतिकारक। दुस्वर नामकर्म अप्रीतिकारक, समझ में आ रहा है कितनी डिटेल्स, हर एक चीज की डिटेल इसमें आ जाती है, बाकी उसके बाद के दो कर्म तुम लोग फटाफट कर लेंगे, कुछ इतनी डिटेल्स ही नहीं है, आज नहीं करेंगे, डोंट वरी, इसको साहिबा को लगेगा हाय रे अभी और दो भी झेलने हैं, ऐसा नहीं है, बस आज इतना ही बहुत है। 37 आदेई नामकरम, इसके उदय से जीव का वचन युक्ति युक्त होने से आदरणीय एवं मान्य होता है वर्षों वर्षों तक। ये तीर्थंकर लोगों को होता है, सत्पुरुषों को होता है, ज्ञानियों को होता है, इसके कारण उनका वचन जो होता है उनकी हाजिरी में तो बहुत ही मान्य होता है, लेकिन वो चले जाए उसके बाद भी वर्षों वर्षों तक उनके वचन का आधार लेकर लोग जी सकते हैं। ये आदेय नामकरण, बड़ा ही शुभ नामकरण। आदेय, आदेय यानी जो तीर्थंकर भगवान का है, सत्पुरुषों का है, ज्ञानियों का है। अभी तो हमारा वचन तो अभी हमारे सामने है और हमारे सामने नहीं है, लेकिन भगवान महावीर जैसों का देखो 2600 साल बाद भी हम उनके ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये क्या इनके वचन आदेय नामकरम का उदय होगा? भगवान चले गए, उनका आदेय नामकरम अभी भी यहाँ पर उसके उदय के कारण अभी भी हम उनके वचन की बात करते हैं। भगवद गीता 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण चले गए, लेकिन अभी 5000 साल बाद भी उनके वचन का आधार लेकर हम लोग संडे को इकट्ठे हो रहे हैं। ये आदेय नामकर्म है इनका, जबरदस्त शुभ नामकर्म होता है। 38 अनादेय नामकर्म, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका, जिनकी बात युक्त होती है, राइट होती है, लेकिन फिर भी उनको प्रसिद्धि, उनकी बात को कोई मानता नहीं है, सुनता नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। 39 यश कीर्ति नामकरम, यश कीर्ति, जिस नाम के कर्म के उदय से यश और कीर्ति मिलती है, थोड़ा करे लेकिन यश और कीर्ति ज़्यादा। और 40वां अपयश कीर्ति नामकरम, इसके अंदर कितना भी करे लेकिन अपयश ही उसको मिलता है और अप कीर्ति। 41वां निर्माण नामकर्म, शरीर के अवयवों का व्यवस्थित निर्माण करने में हेतु, सेम बॉडी नो डिस्प्लेसमेंट, तुम्हारी खोपड़ी यहाँ है तो यहीं रहेगी, 50 साल बाद खोपड़ी सरक के थोड़ी नीचे नहीं आ जाएगी, तुम्हारी आँखें यहाँ हैं तो यहीं रहेगी, सरक के नीचे नहीं आ जाएगी, तुम्हारी नाभि यहाँ है तो सरक कर ऊपर नहीं चली जाएगी, तुम्हारे बॉडी के सारे पार्ट्स जिस जगह हैं वो पूरी जिंदगी वहीं के वहीं रहते हैं कि नहीं, कि इधर उधर हो जाते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं, उसके अंदर कारण कौन है? निर्माण नामकरम। देखो हाउ मच इंटेंसली दे हैव डिस्क्राइब, कोई भी तुम्हारा अंग, कोई भी उपांग इधर उधर नहीं हो जाता। और फाइनली 42 तीर्थंकर नामकरम, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मशहूर, अद्भुत नामकरम, जिस पद की प्राप्ति में निर्माण भूतकरम पुत, यानी तीर्थंकर की, तीर्थंकर 24 ही होंगे, केवली बहुत सारे होंगे, 2 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन तब तीर्थंकर कितने रहेंगे? ज्ञान की अपेक्षा से केवली और तीर्थंकर दोनों एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है, दशा की अपेक्षा से दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन तीर्थंकर को 2500 साल बाद भी जानते हैं, 2500 साल छोड़ो, पूरा आरा बदल गया,
जैन चक्र में, वो काल चक्र में, चक्र का काल बदल गया, अभी भी आदिनाथ भगवान को याद करते हैं कि नहीं? भूतकाल के 24 तीर्थंकरों को अभी भी स्मरण में है, आने वालों का अभी से हम लोग स्तुति करने लग गए हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों ने ऐसा ज़बरदस्त शुभ नाम कर्म बांधा होता है, जिस कारण से इस बार तो इस कालचक्र में याद किए जाते हैं, आगामी कालचक्र में याद किए जाएंगे भूतकाल की 24 के रूप में, और जो पहले चली गई उसमें भी याद करेंगे आगामी 24 की तरह। करते हैं कि नहीं? 72 जिनालय बनता है जनों में, 72 मतलब 72, 24 इस अभी के 24 भगवान, 24 जो लास्ट टाइम हो गए वो, और 24 जो आने वाले। तो अभी के जो 24 तीर्थंकर जिनको तुम जानते हो, ये पिछली बार भी तो पूजे जा रहे होंगे कि नहीं? अभी तीर्थंकर बने भी नहीं, अभी तो नरक में पड़े हैं, लेकिन नरक में ही थे ना, वहां पे पड़े थे, लेकिन वहां पर थे तब भी पूजे जा रहे, ऐसा तीर्थंकर नाम कर्म का प्रभाव। और वो चले गए अपने अनादि अनंत सुख में, उसके बाद भी अभी भी पहचाने जा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और आगामी के अंदर भी होगी कि नहीं? इतनी नहीं होगी लेकिन कम भी होगी तो पक्का ही। तो तीर्थंकर नामकरण ऐसा होता है कि काल चक्र पलट जाने पर भी उनकी हम स्तुति करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा। सबसे अधिक विशेष कर्म नाम कर्म के अंदर इसको देखा जाता है। हो गया 93 गिन लिया। मेरे लिए सबसे टफ टॉपिक था, क्योंकि अध्यात्म को इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। अध्यात्म तो कहते हैं तो अपनी आत्मा के और निकटा, और निकटा, आत्मिक गुणों को और अधिक विकसित कर। लेकिन अब ठीक है, किसी एंगल से हम उत्तराधीन सूत्र कर रहे हैं, और ये अनुप्रभु आपके कारण हुआ है। आपने कहा था कर्म प्रकृति लो, और ये ली, और उसमें भी एक वाक्य आया। वैसे इससे पहले में मज़ा आया, ज्ञानावर्णिया, दर्शनावर्णिया, मोहनिया, लेकिन इसके अंदर भी करके में मज़ा ही तो आया आज। तो तुम लोग ऐसे बोल रहे हैं, हाँ इससे पहले मज़ा आया। अब दो सत्संगों के अंदर 14 से लेकर 25 तक के श्लोक करने हैं। तुम्हें आदत है इस तरह भागने की, और मुझे आदत है तुम्हें इस तरह भगाने की। मोक्ष मार्ग पर भी बस तुम मुझ पर छोड़ दोगे तो हम लोग ऐसे ही भागते भागते निकल जाएंगे।